हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं टॉप 4 बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन जिनके अंदर आपको टॉप नॉच लेवल के फीचर देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं अंडर 15,000 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रहते हैं, ये जो प्राइस है वो मिडिल क्लास के लोग भी इजीली अफोर्ड कर पाते हैं। इस प्राइस बजट में आप जो है बेस्ट फ्लैगशिप ऑलराउंडर स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी रिसर्च एंड एनालाइज करने के बाद ये टॉप 4 स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल करेंगे। दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है रिसेंटली लॉन्च हुआ है स्मार्टफोन मोटोरोला की तरफ से, Moto G72। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी सारे टॉप नॉच लेवल वाले फीचर देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक 4G स्मार्टफोन है, बट 4G का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है कि 5G नेटवर्क को इंडिया को पूरा कवर करने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो 4G की तरफ भी आप जा सकते हैं, बिकॉज इधर आपको काफ़ी पावरफुल चिपसेट के साथ एकदम टॉप नॉच लेवल वाले फीचर देखने को मिल जाते हैं। इस स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको POLED 6.55 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। साथ ही डिस्प्ले के अंदर आपको HDR 10 प्लस की सपोर्ट, 85.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो, साइड बेजल भी आपको काफ़ी ज़्यादा पतली देखने को मिलेंगी। नो डाउट दोस्तों, अंडर 15,000 में आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इसमें आपको डिस्प्ले एकदम फ्लैगशिप लेवल की देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको ऑक्टाकोर मीडियाटेक हीलियो G99 6 नैनोमीटर के साथ 4G चिपसेट देखने को मिलेगा, ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, तो काफी पावरफुल चिपसेट भी देखने को मिल जाता है। इसके रियर पार्ट में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप 1080p 30fps प्लस 60fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इस स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा सेल्फी, जिसकी वजह से आप 1080p 30fps में मैक्सिमम वीडियो फ्रंट से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा वायर्ड। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, 3.5mm का जैक, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, USB टाइप सी 2.0, और साथ ही आपको अंडर 15,000 में इस स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम देखने को मिलेगी, मटेरियल राइट ग्रे, पोलर ब्लू, मिनरल वाइट, 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बात करें कुछ मोबाइल फोन की बॉडी लैंग्वेज के बारे में, तो इसमें आपको वाटर रेपेलेंट डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मोबाइल फोन के ऊपर थोड़ा बहुत पानी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आप मोटोरोला मोटो G72 को कंसीडर कर सकते हैं, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। ओके, बाकी सारे फीचर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है इन्फिनिक्स की तरफ से Note 12 5G। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफ़ी टॉप नॉच लेवल के फीचर देखने को मिल जाते हैं और इस स्मार्टफोन के प्राइस काफ़ी ज़्यादा आपको कम देखने को मिलते हैं। ये स्मार्टफोन आपको 13,000 के अंदर देखने को मिलता है और ये गेमिंग फोन है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि पावरफुल चिपसेट होने वाला है। मोबाइल फोन के स्टेप बाय स्टेप फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको AMOLED 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, 85.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो। डिस्प्ले के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 6 नैनोमीटर के साथ 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, लेटेस्ट आपको वर्जन देखने को मिलता है। काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, आपको अल्ट्रा HD में इजीली गेमिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मोबाइल फोन के रियर पार्ट में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आपको डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 33 वायर्ड फास्ट चार्जर के साथ। इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 एंड USB टाइप सी 2.0 और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आपको इन्फिनिक्स Note 12 5G के अंदर 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ओके, काफ़ी प्रीमियम कलर स्कीम है। अब बात करते हैं कुछ बॉडी के बारे में, तो दोस्तों स्मार्टफोन की बैक एंड फ्रेम दोनों आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेंगी, फ्रंट में आपको ग्लास की प्रोटेक्शन, 186 ग्राम का वेट, 8mm की थिकनेस। मोबाइल फोन काफ़ी लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम है, इन हैंड फील आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप 13,000 का बजट है आप लोगों का, तो आप इन्फिनिक्स Note 12 5G को भी कंसिडर कर सकते हैं। मैंने आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर दिए हैं,
एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी है। बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है वीवो की तरफ से Y35। हालांकि ये भी एक स्मार्टफोन लाइक 4G स्मार्टफोन है, तो इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको काफी अच्छे टॉप नॉच लेवल वाले फीचर देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इस स्मार्टफोन की डिजाइन आपको काफी पसंद आने वाली है, बिकॉज काफी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम आपको देखने को मिलती है विद यूनिक डिजाइन के साथ। बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले के बारे में, इसमें आपको IPS LCD 6.58 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 550 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 83.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो। तो मोबाइल फोन की डिस्प्ले की आपको साइड बेजल भी काफी ज्यादा पतली देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 4G चिपसेट देखने मिलेगा, 6 नैनोमीटर के साथ आता है फनटच 12 एंड एंड्रॉइड वर्जन 11 पर बेस्ड है। काफी पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पर। दोस्तों मोबाइल फोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ लेंस, जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप 1080p/30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 1080p/30fps में मैक्सिमम वीडियो फ्रंट से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 44W का वायर्ड फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप अपना मोबाइल फोन 34 मिनट के अंदर 70% इजीली चार्ज कर पाएंगे। इसमें आपको रिवर्स वायर्ड देखने को मिलता है, डाउन गोल्ड एगेट ब्लैक, ये दो कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि काफी प्रीमियम कलर स्कीम है। 3.5mm का जैक देखने को मिलेगा, आप इजीली ईयरफोन यूज कर सकते हैं। एंड मोबाइल फोन के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5, USB Type-C 2.0 और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी अच्छे टॉप नॉच लेवल के फीचर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं मोबाइल फोन की बॉडी के बारे में, इसमें आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, फ्रंट में ग्लास की प्रोटेक्शन, 188 ग्राम का वेट, 8.3mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम है, और काफ़ी जो है डिफरेंट टाइप की आपको डिज़ाइन देखने को मिलती है मोबाइल फोन की बैक में, जो कि काफ़ी प्रीमियम है, लाइक इनहैंड फील आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलने वाली है। लिटरली आप वीवो का कोई भी स्मार्टफोन 15,000 के अंदर परचेज करना चाहते हैं, तो आप वीवो Y35 को लिटरली कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट के फोर्थ स्मार्टफोन के बारे में, ये स्मार्टफोन आपको 16,000 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि है Realme 9 Pro। लिटरली मैं आपको बता दूं, सारे फीचर आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल के देखने मिल जाते हैं इस प्राइस पॉइंट पर। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको किसी फीचर में भी कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको IPS LCD 6.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल की देखने मिलेगी, बिकॉज आपको स्मूथनेस काफी अच्छी देखने मिल जाती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 84.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो, साइड बेजल भी आपको काफी ज्यादा पतली देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 12 पर भेजे, जो कि लेटेस्ट है, एंड रियलमी UI 3.0 के साथ आता है, जो कि नीट एंड क्लीन लाइक यूजर इंटरफेस है। मोबाइल फोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 64 प्लस प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलता है। इस मोबाइल फोन के रियर कैमरे से अभी आप 1080p/30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 1080p/30fps में फ्रंट से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 33W का वायर्ड फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलेगी, USB Type-C 2.0 और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मिडनाइट ब्लैक, ऑरेंज ग्रीन, सनराइज ब्लू, तो काफी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम भी देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली अंडर 16,000 में आप परचेस कर सकते हैं Realme 9 Pro 5G को। दोस्तों बात करें कुछ बिल्ड क्वालिटी के बारे में, लाइक बॉडी के बारे में, तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको 195 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा, लाइट वेट है, 8.5mm की थिकनेस देखने को मिलेगी, स्लिम भी है, तो इन हैंड फील आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। बैक आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी विद ग्लॉसी फिनिश, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है मोबाइल फ़ोन, और कलर स्कीम भी आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाती है। अंडर 15,000 में दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है। बाकी चारों स्मार्टफोन अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने स्पेक्स के हिसाब से और अपने प्राइस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आप चारों स्मार्टफोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। चारों स्मार्टफोन के बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।